सो गाइस आई एम श्योर वेलकम बैक टू योर चैनल श्योर नो। सो गाइस कैसे आप लोग जरूर कमेंट कर देना, मुझे जरूर बताना गाइस। अभी कुछ दिन मतलब जस्ट अगर पिछले बार आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने ना वहां पर मेरे और अर्णव के बारे में कुछ जो रियलिटी है जो सच्ची बात है वो सारी बताई थी कि अर्णव और मैं हम दोनों अलग क्यों हो गए थे। और काफी लोगों ने भी इसके बारे में मतलब इससे पहले बहुत बार मुझे पूछा था कि आप दोनों अलग होने की वजह क्या थी, तो आप क्यों अलग हो गए। तो वो सारी चीजों को देखते हुए मैंने वो मतलब वो वीडियो शेयर की। दो पार्ट में थी वो वीडियो, तो शायद आपने देखा होगा वो वीडियो। तो उसमें ही एक कुछ बंदों ने मतलब बंदे बंदे नहीं बोल सकते ना, एक पर्सन ने कमेंट किया था ऐसा कि आप इसकी बेतुकी बातों पे यकीन ना करें, ये सब झूठ है, ऐसा है वैसा है। वो शायद आपको आईडी भी साइड में शो हो रही होगी, तो ऐसी कमेंट की थी उस पर्सन ने। तो मैं उस पर्सन को एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या अर्णव के और मेरे रिलेशनशिप में जो भी कुछ चीजें हुई आप वहां पर मौजूद थे। अगर कोई भी बात आपको किसी को बोलते भी हो ना, तो विदाउट प्रूफ या फिर वो वाला कुछ बोलते हैं ना हम कि विदाउट एक्सपीरियंस विदाउट प्रूफ के किसी को नहीं बोलना चाहिए। आपने वहां पर मेरे कमेंट सेक्शन में आप आते हो वहां पर आप सीधा बोल देते हो कि ये सारी बातें झूठ है, ऐसा है वैसा है। तो सच्चे लोगों को बताने की हिम्मत रखो, अगर ये बात झूठ होती ना तो मैं शायद बताता ही नहीं। और जिस पे बीतती है ना वो बात ये समझ सकता है और वही बात जानता है कि उस पे कितनी बुरी तरीके से बीती है। तो इस वजह से किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते आप, या फिर किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। जो सच है वो सच है। पर मैंने ज्यादातर यही कोशिश की है कि वहां पर मैं सच बता सकूं, सच ही आपको पता चले। और यही सब कुछ देखते हुए मैंने वहां पर जो भी बोला है वो सच बोला है। और इस बात का मैंने जैसे कि वहां पर भी जवाब दिया था कि मैं इस बात का प्रमाण भी दे सकता हूँ, इस बात का प्रूफ भी दे सकता हूँ। उतनी हिम्मत उतनी कैटेगरी या फिर उतनी ताकत मुझ में है कि मैं वो सारी चीजें आपको प्रूव करके दिखा सकता हूं। इसलिए ना कभी किसी को बुरा मत बोलो बिना जाने बिना सच्चाई को परखे हुए, क्योंकि आप तो ठीक है आप एक कमेंट करके चले जाते हो पर उस वीडियो को सिर्फ आप नहीं देखते हो, बहुत सारे उस कोई ऐसे लोग आते हैं वहां पर जिनको सच में जरूरत होती है। तो कभी भी किसी की यहां पर गंदगी फैलाने से अच्छा है आप खुद साफ सुथरे रहो ताकि कहीं और जाके गंदगी ना फैला पाओ। मुझे मतलब ये वीडियो बनाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था उसके बारे में, बट होता है ना कि अगर कोई चीज गलत हो रही हो तो उस चीज को वही दफना दिया जाए या फिर उस चीज का काट वही किया जाए, ये बेहतर होता है क्योंकि आगे चल के वो बहुत कुछ चीजें आपकी डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो मैंने वहां पर जो भी बोला जो भी बातें थी वो ना मनगढ़ंत थी ना किसी और से किसी और की सुनाई हुई थी, जो मेरे ऊपर बीती थी। और आप नहीं समझ सकते वो बात क्योंकि आपके अंदर वो अगर जज्बात होती मेरी उस भावनाओं की कदर होती ना शायद तो आप ऐसी बात बोलते ही नहीं। तो पहले सामने वाली की भावनाओं की कदर करना सीखो, फिर उसके बाद उसको क्या जवाब देना है वो डिसाइड करो। तो गाइज यही था वो वीडियो, इस उसके लिए मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाया था जिसने वो कमेंट की थी। तो यस आई होप सो आप समझ गए होंगे। फिर से मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, सो बी हैप्पी।